राजस्थान के सियासी संकट पर इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजस्थान में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है सीएम पद की दावेदारी को लेकर। आखिरकार आलाकमान किसे आगे करेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आपको याद दिला दें कि 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। अब देखा जाए तो सचिन पायलट के जो बगावती सुर 2020 में देखने को मिले, उस वक्त उन्होंने ना सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद से बल्कि प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। तब से लेकर अब तक वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। सचिन पायलट की इसी पेशेंस की तारीफ करते हुए नजर आए हैं कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर अब सचिन पायलट के एक बार फिर से कहीं ना कहीं बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हाल ही में सचिन पायलट ने जो अनशन रखा, उस अनशन के चलते यहां पर कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके खिलाफ होते हुए देखे जा रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो सीएम अशोक गहलोत को लेकर भी यहां पर कई अटकलें तेज हो चुकी हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या वाकई में आलाकमान सोनिया गांधी यहां पर अब अशोक गहलोत को कोई दूसरा पद सौंपेंगी, क्या इस बार उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर यहां पर कुछ और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये आपको बताना चाहेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सबसे पहले आपको याद दिला देते हैं, बीते साल अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था। उनका साफ तौर पर कहना रहा कि बीते कई सालों से, साल 1992 से जो उनका इस्तीफा है वो तो सोनिया गांधी जी के पास ही है, वह चाहे तो रातों रात इस पर अहम फैसला ले सकती हैं। तो क्या सोनिया गांधी अब इस सियासी संकट को देखते हुए अब यहाँ पर अशोक गहलोत के लिए कोई अहम फैसला लेंगी, क्योंकि यहाँ पर पायलट से जो वादा किया गया था, आचार्य प्रमोद कृष्णम साफ तौर पर कहते हैं कि खुद आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उन्हें सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। उनसे वादा किया गया, क्या अब उस वादे को पूरा किया जाएगा? क्या वाकई में सोनिया गांधी यहाँ पर इस बार सचिन पायलट को आगे करना चाहेंगी? जिस तरीके से सचिन पायलट यहाँ पर हाल ही में अनशन के बाद दिल्ली पहुंचे, दिल्ली दौरे को लेकर सियासी समीकरण तेज हो गए, वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा भी लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल के साथ साथ मल्लिका अर्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की, तो अब यहां पर सियासी संकट पर आलाकमान की नजरें सटीक तरीके से टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री के पद को तीसरी बार संभाल रहे हैं, तो क्या इस बार जो मौका मिलेगा, जो सपना है सचिन पायलट का कि राज्य में एक बार फिर से कांग्रेस को रिपीट करना है, तो क्या यहाँ पर सचिन पायलट और गुट की जो मांग है यहाँ पर पूरा करती हुई नजर आएंगे? क्या वाकई में अशोक गहलोत को यहाँ से हटाकर राज्य से बाहर निकालकर दिल्ली की सियासत में एक्टिव करना चाहेंगी? ये वक्त के साथ साथ देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, देखते हैं कि आखिरकार सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे करना होगा। लेकिन इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।